हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और आज हम जाएंगे भूरा सिद्ध जी के, देखते हैं हमें क्या मिलता है और क्या देखने को मिलता है वहाँ पे। कोई मंदिर है या फिर पहाड़ियों के आसपास, मतलब पहाड़ियों के ऊपर बसा हुआ है, तो हम आज देखेंगे वहाँ पे। मतलब मैं भी कभी नहीं गया, मैं आज फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो देखते हैं भूरा सिद्ध जी में क्या होता है। और ये मेरा नया मतलब न्यू ब्लॉग है, तो इसमें चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए नए नए ब्लॉग बना सकूं। तो मिलते हैं भूरा सिद्ध जी के यहाँ पे। तो हम इस टाइम एक बाइक पे तीन है, खाना जिया जी, मैं हूँ और यह है नरेंद्र मोदी। देखो एक बार भैया इसमें स्माइल करके बताओ आपकी। देखो देखो देखो, ये देखो, हाय हाय सर मिल दुल्हन को तीन बार। और पीछे से ये आ रहे हैं कुछ लोग, देखिए इनको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए एक बार इसमें कहता है। और सबको छोड़ दो, मेरे को वोट दी तो बस, दुनिया में छोड़ गए। हाँ, अब इसको वोट देना क्योंकि ये प्रधानमंत्री बनने लायक है। ये बंदे कुछ टैलेंट है, ये कुछ कर सकता है देश के लिए, तो आप इसे प्रधानमंत्री बनाइए। अब हम चलते हैं भूरा सिद्ध जी की ओर, आइए आगे देखते। अम्मा को राम 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 बेटा। ये बाबा फ्रेश होते हुए देखिए, नाड़ा बांधते हुए लगा के ऐसे गोरा हुई है। इसका सॉन्ग सुनिए, हाँ भाई रोबोट इसमें सॉन्ग होगा दे एक बार लोकेश जी। मैं सॉन्ग गाते एक बार, अभी गा रहे थे जो गाओ गाइए। पापा जी अच्छा ये पापा जी बोलता है, इसलिए इसको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। सोचो देश के लिए कितना तरक्की करेगा ये। तीन बार बोलता है क्योंकि प्रधानमंत्री एक बार बोलता है, ये एक शब्द को दो बार बोलता है, इसलिए बन सकता है। तो गाइस हमारे साथ फिर से दोबारा स्कैम हो चुका है। हमारी गाड़ी है जो क्या नाम है, बाइक थी जो, वो इस माउंट पे चढ़ नहीं पाई। जो अब देखते हैं क्या होता है। अभी तो थोड़ी दूर तो पैदल चलना पड़ रहा है, देख सकते हो आप कितनी ऊंचाई है। बहुत ऊंचाई से हम ऊपर आए हैं, नीचे से ऊपर आए हैं, अब ऊपर जा रहे हैं। और तो गाइस अब हमें पैदल चलना पड़ रहा है क्योंकि ये पत्थर फेंक रहा है, पहले इसका देख लो। ना क्योंकि सर्वर पूरी। अरे भगवान, बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचाई पे। हम देखो वहाँ से चढ़ के आ रहे हैं, चढ़ के नहीं आ रहे, वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से नीचे से। गाइस हमारे साथ ये है नरेंद्र मोदी जी। ये मोदी जी हमारे, इंटरव्यू ले सकते हो, पूछ सकते हो आज कुछ ही पूछ लो। सो गाइज हमारे तो प्राण निकल चुके हैं अभी तक, हम बहुत ही
टायर्ड फील कर रहा हूँ मैं तो खास तौर पे। सो गाइस हमें यहाँ पे कुछ बेर खाने को मिले, देखते हैं कैसे यहाँ के बेर। कुबेर है या बेर है ये तो हमको नहीं पता। कुबेर का स्वाद देखते हैं कैसा आता है। हाय गाइस, आपने पाकिस्तान के नमूने देखे होंगे, आज हम आपको मिलाएंगे भारत के नमूनों से। एक बार वो करके बताओ जिस पाकिस्तान वाले एक लड़के ने किया था 3-2-1 पिल्ले, वो करके बताना। 3-3 पिल्ले। देखिए गाइस, ये हैं इंडिया के पिल्ले। तो आप ये कहाँ के पिल्ले हो? राजगढ़ के पिल्ले। गैंगस्टर पिल्ले, इसका नाम है गैंगस्टर पिल्ले। वो करके बताइए 3-2-1 पिल्ले। 3-2-1 पिल्ले। शादी करेगी क्या? मैं बोल रही हूँ, मैं, ये मेरे से शादी करेगी। मैं जब हम घर जा रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ का व्यू देख लिया, बहुत शानदार आया वैसे आने को। तो लेट्स गो, अगला शूट बताते हैं। ये था हमारा भूरा सिंह जी, जहाँ भंडारा चल रहा है। तो हम भंडारे में गए ही नहीं। वैसे तुम किसी भंडारे को नहीं छोड़ते, वैसे तुम भूखे आदमी है, चाहे कोई से भंडारे भेज दो, लेकिन क्या आज थोड़ी पब्लिक ज़्यादा थी तो इसलिए हम गए नहीं उसमें। हम पहले से खाना पीना खा पी के ऑलरेडी सब चीज़ खा पी के आए हैं। ठीक है। हेलो गाइस, तो आप ये बताइए, कभी गाड़ी में आपने डीजल डलता देखा मोटरसाइकिल में? तो ये बोल रहा है जी डीजे बंद कर दो, डीजल भी नहीं डीजे, ये देखो डीजे। हम नीचे का एक बार आप सीन देखिए।
गाइस हम कहाँ पलसाना तो पहुंच चुके हैं, और अब आपको दिखाते हैं यहाँ पलसाना का व्यू। बड़ा शानदार व्यू है, जैसा कि आप देख सकते हो वहाँ पे बह रहे हैं, वहाँ पे ये वाला देखो, ये वाला झरने बह रहे हैं, बहुत शानदार लगेगा जो कि मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा। ये गाइस जैसा कि आप देख सकते हो हम पलसाना पहुँच चुके हैं। ये रे झरने, ये झरने रहे, ये झरने में डूब डूब के नहा रही है पब्लिक। ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अब और शाम हो चुकी है और उनके चक्करों में आके मैं भी नहा लिया। मैंने बोला था मैं नहीं नहाऊंगा, लेकिन मैं भी नहा लिया। सो लेट्स नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से मिलते हैं।